Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of October 2021. 1 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। आप अपनी तरफ से वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपके कोई घर वाले आपको मना नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो यू कैन डू दैट फ्रॉम योर साइड। इसके अलावा जो भी हमारा CSAT का प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं उनको नीचे लिंक दी है, वो CSAT के प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। रिविजन सीरीज़ का 52 वीडियोज़ हैं, इसलिए आप अब शायद उनको ना देख पाएँ क्योंकि 10 दिन ही बचे हुए हैं, है ना। तो अगर आप उसको देख नहीं पाएंगे शायद, अदरवाइज दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड कंपाइलेशन फॉर योर रिवीजन। स्टार्ट करते हैं पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालती है इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, देन वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू द पीएम केयर फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीएम केयर फंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ स्टैट्यूटरी फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, TKS नायर कमेटी एंड रमनपुरी कमेटी। TKS नायर कमेटी एंड रमनपुरी कमेटी जो है ये इनमें से किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यू हैव टू टेल मी दिस। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, दूसरा है पुलिस रिफॉर्म, तीसरा है डिफेंस रिफॉर्म, या चौथा है आपका इकोनॉमी रिफॉर्म। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको इन तीनों के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है ना। लेट मी टेल यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करना, मैं आपको आंसर बता देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो एक्चुअली RBI ने रिसेंटली स्टार्ट किया फाई इंडेक्स के नाम से। RBI का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, तो RBI इसका करेक्ट आंसर होगा, डी विल बी द आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पीएम केयर्स फंड के दोनों ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ना तो ये स्टैट्यूटरी फंड है ना ही ये RTI के अंदर आता है अभी, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी विल बी द आंसर। एंड देन आपका TKS नायर कमेटी एंड रमनपुरी कमेटी, तो दीज आर द कमेटीज रिलेटेड टू डिफेंस नीड्स। आप बता सकते हैं इसका आंसर TKS नायर कमेटी, ठीक है ना। एंड दीज आर द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। जो ये आपके TKS नायर कमेटी थी या रमनपुरी कमेटी थी, ये आपके उससे रिलेटेड थी, रिगार्डिंग योर डिफेंस, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिकॉर्पोरेटराइजेशन हुआ ना, उससे रिलेटेड कमेटी है। तो ये भी न्यूज़ में थी, आपको पता होना चाहिए। आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे है, शुड यूनिवर्सिटीज़ रिमूव ऑल द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड स्टोरीज फ्रॉम देयर सिलेबस। क्या यूनिवर्सिटीज़ को हर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट या हर कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो भी हो रिमूव कर देना चाहिए अपने सिलेबस से? दिस इज द क्वेश्चन टू यू। प्लीज़ राइट डाउन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो भी पॉइंट आप दे सकें दैट विल बी गुड। ओके, आगे देखते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जो कि AIR या PIB से हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, WHO रिलीजेज अ न्यू रोड मैप टू डिफीट मेनिंजाइटिस। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? ये आपका बना था, WHO बना था आपका 1948 में, 1948 में बना था। आई थिंक 7 अप्रैल था, 1948 वॉज द ईयर। तो WHO बना था, ठीक है ना। अब WHO ने एक रिसेंटली रोड मैप बनाया है टू डिफीट मेनिंजाइटिस, विच इज द फर्स्ट एवर ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू डिफीट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, आप सबको पता होना चाहिए। उसको डिफीट करने के लिए पहला ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि WHO ने लिया है ना। So what is the aim of the strategy? क्या aim है? The strategy of the global roadmap to defeat meningitis is by 2030. याद रखेगा, 2030 तक इन्होंने timeline लिया है। It is the global roadmap to defeat meningitis by 2030, and it aims to prevent infections and improve care and diagnosis of those affected. तो ये basically aim क्या करता है? Infections को कम करना, infections को remove करना, diagnosis को बढ़ाना, and उन लोगों को ठीक करना, उनकी care को improve करना जो लोग impacted है या जो लोग अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ दिस मेनिंजाइटिस। इट ऑल्सो एम्स टू एलिमिनेट द एपिडेमिक ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का जो एपिडेमिक है उसको भी एलिमिनेट करना इसका काम है, विच इज वन ऑफ द डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ द डिसीज, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ डिसीज, और उसमें उसके कारण होने वाली जो डेथ्स हैं उनको 70% तक रिमूव करना एंड केसेस के नंबर को हाफ करना, ये भी इसका एम है। मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से होने वाली डेथ्स को 70% तक रिमूव करना और उसको जो नंबर ऑफ केसेस हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस उसको 50% तक रिमूव करना, ये इसका एम है बेसिकली, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रेटजी है, इट कुड सेव अप टू 2 लाख लाइफ्स एनुअली, 2 लाख लाइफ्स एनुअली बच सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। एंड इट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय द डिसीज, जो डिसेबिलिटी कॉज करती है डिसीज उसको भी कम कर सकता है। मेनिंजाइटिस आप सबको पता होना चाहिए कि इट इज एन इन्फ्लेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स। मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब एक मेम्ब्रेन होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन जब आ जाए तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, एंड मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दे कॉज नियरली 2,50,000 डेथ्स अ ईयर। मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है एंड वन ऑफ द फास्ट स्प्रेडिंग एपिडेमिक्स में आता है ये, और 2.5 लाख डेथ पर ईयर होती है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस एपिडेमिक्स जो है बेसिकली वो लास्ट डिकेड में हुआ था इन ऑल द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक मेनिंजाइटिस बेल्ट कहलाती है, आपको पता होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस बेल्ट कहाँ है। तो ये 26 कंट्रीज में है, विच आर अक्रॉस द सब सहारन कंट्रीज। 26 सहारन एंड सब सहारन कंट्रीज में ये मेनिंजाइटिस बेल्ट कहलाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या कोई वैक्सीन है प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंजाइटिस करेंगे? तो बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जिसमें मेनिंजोकोकल आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी आता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है ना। और अभी रिसर्च चल रही है कि मेनिंजाइटिस के बैक्टीरियल फॉर्म को ख़त्म करने के लिए भी कोई वैक्सीन बनाई जाए, तो दैट इज़ अंडर प्रोसेस। दूसरी जो न्यूज़ है वो है Landsat 9 के रिगार्डिंग। तो व्हाट इज़ दिस Landsat 9? Landsat 9 इज़ नासाज न्यू आई इन द स्काई, नासा की नई आई इन द स्काई बोल रहे हैं इसको, एंड इट विल हेल्प स्टडी द क्लाइमेट चेंज एज वेल। तो क्लाइमेट चेंज को भी स्टडी करेगी Landsat 9। तो अगर आपसे कोई पूछे Landsat 9 किस संस्था का है, तो ऑब्वियसली बात है नासा विल बी द आंसर फॉर दैट। एंड क्या करेगा ये? क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करेगा बेसिकली। कैसे? कि ये ड्रॉट को स्टडी कर सकता है, वहाँ से जो ऊपर से फोटोग्राफ्स आएंगी तो ड्रॉट को डिटरमाइन कर सकता है, फॉरेस्ट फायर्स को डिटरमाइन कर सकता है, एंड कहाँ पे फायर हो रहा है, सोर्स ऑफ फायर क्या है, इन सब चीज़ों में भी ये Landsat 9 जो है वो हेल्प करेगा। Landsat 9 का जो पहला वर्जन था, ये तो 9 है, जो पहला वर्जन था वो लॉन्च हुआ था 1972 में, जो कि याद रखेगा 1972 में हुआ था। एंड दीज आर द आईज इन द स्काई फॉर नासा। नासा की आई इन द स्काई के रूप में काम करते हैं, वाटर क्वालिटी को मेजर करते हैं, ग्लेशियर्स की मेल्ट को मेजर करते हैं, हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट देख सकते हैं, कोरल रीफ्स को देख सकते हैं, इनके इमेजेस से ये सारी चीजें पता लगाई गई हैं, है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये पुराने Landsat से कैसे अलग है? तो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। जो नया वर्जन गया है Landsat 9 का, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, आपका टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस है। एंड हाउ विल इट मेजर द क्लाइमेट चेंज? तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ड्रॉट अफेक्टेड रीजन्स को देख सकता है, और ये बेसिकली स्मोक्स को कैप्चर कर सकता है, फॉरेस्ट फायर के जो केसेस रहते हैं, एंड रीप्लांटेशन की कौन सी साइट्स हो सकती हैं, विच साइट्स कैन बी यूज फॉर द रीप्लांटेशन, ये सारी चीज़ें ये पता लगा सकता है। तो इन दैट वे इट कैन बी हेल्पफुल फॉर मॉनिटरिंग द क्लाइमेट चेंज। तीसरी जो न्यूज़ है वो है नासा का लूसी मिशन। व्हाट इज़ दिस नासाज लूसी मिशन? तो नासा का लूसी मिशन है बेसिकली जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगा, प्रोव करेगा जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि जो आपका सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ में ट्रोजन जो वर्ड है, ये जो वर्ड ट्रोजन आपको दिख रहा है ना, ट्रोजन वर्ड क्या होता है? ऐसी हेवनली बॉडीज़ जो कि किसी दूसरी बड़ी बॉडी का ऑर्बिट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जुपिटर के ट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो सपोज ये जुपिटर का ये इसके अराउंड ऑर्बिट होगा। अब इसके ऑर्बिट में छोटी छोटी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज यूज कर रही होंगी इसका ऑर्बिट, तो ये ट्रोजन बॉडीज कहलाती हैं। ट्रोजन बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि किसी बड़े किसी बड़ी हेवनली बॉडी का बेल्ट यूज कर रही होती है, उसका ऑर्बिट यूज कर रही होती है। तो यहाँ पे हम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो कि छोटे साइज के रहते हैं, लेकिन जुपिटर का ये क्या यूज कर रहे होंगे? ऑर्बिट यूज कर रहे होंगे अराउंड द सन, ठीक है ना। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर। उसका ऑर्बिट यूज कर रहे होंगे विच विल बी अराउंड द सन, और यही स्टडी करने के लिए लूसी मिशन जाने वाला है. तो लूसी मिशन विल बी स्टडीइंग द ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ऑफ द जुपिटर. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स ऑफ द डे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. यू कैन मूव अलॉन्ग विद मी. आते हैं एडिटोरियल पार्ट में, एट द क्वाड फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन. अब यहाँ पे राजीव भाटिया द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, GS2 से आप इसको लिख सकते हैं. आप इसको देखो, कई लोग मुझसे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाए, तो कुछ नहीं, आप 4 फोल्डर बना लीजिए जिसमें आप वाइट पेपर शीट्स में आप लिखते जाइए. जो भी हम आर्टिकल्स लिखा रहे हैं ना, वाइट पेपर शीट्स में आप लिखते जाइए. दैट कुड बी वन ऑफ द वेज जिसमें आप लिख सकते हैं. ये GS2 का मैंने बता दिया, तो आप GS2 में इसको ऐड कर लीजिए. दिस विल बी अ GS2 आर्टिकल, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन और क्वाड ग्रुप, ये सब इंटरनेशनल बॉडीज के ऊपर रिलेटेड है. जीएस2 का टॉपिक है. अब अभी मैं बता दूं कि रिसेंटली वाशिंगटन में जो मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, उसमें क्वाड के कुछ और चीजें नई निकल के आई हैं जिसमें कोऑपरेशन शुरू हो गया है. मैं वही एरियाज बता देता हूँ आपको, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन फॉर द क्वाड ग्रुप बता देता हूँ. पहला देखो लिखा है, द प्लान इज टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. द प्लान इज टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. पहला प्लान है क्या, टू प्रमोट द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरा जो G7 का इनिशिएटिव था, बिल्ड बैक बेटर, यानी कि बिल्ड बैक बेटर जो था वो किसका इनिशिएटिव था, G7 का. तो उसके साथ इन्होंने क्वाड के क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मिक्स कर दिया है, ठीक है ना. फिर इसके अलावा इन्होंने G20 का जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रिंसिपल था, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रिंसिपल था, उसको भी क्वाड में इन्फ्यूज कर दिया. तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग कि आपने G7 और G20 की जो अच्छे पॉइंट थे उनको क्वाड में इन्फ्यूज कर दिया है. अब कुछ जो की एलिमेंट्स हैं बिल्ड बैक बेटर के, वो जो क्वाड इंट्रोड्यूस करने वाला है वो कौन कौन से हैं. पहला है डिजिटल कनेक्टिविटी, दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा है हेल्थ सिक्योरिटी, एंड चौथा है डिजिटल जेंडर इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना. तो ये 4 वेज हो गए कौन कौन से. पहला हो गया आपका डिजिटल कनेक्टिविटी, दूसरा हो गया क्लाइमेट, तीसरा हो गया हेल्थ सिक्योरिटी, एंड चौथा हो गया जेंडर इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना. तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. इसके अलावा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बना लिया है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है, जो मैंने बताया कि जो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बड़ा हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी. साइबर सिक्योरिटी में क्वाड विल कोऑपरेट ऑन कॉम्बैटिंग द साइबर थ्रेट्स. साइबर सिक्योरिटी में भी क्वाड जो है वो क्या कोशिश करेगा कि साइबर थ्रेट्स को कॉम्बैट किया जा सके, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर किया जा सके. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल उसकी जो डिफेंस फैसिलिटीज हो गई या उसके जो इंटेलिजेंस फैसिलिटीज हो गई, ये उसकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है ना. फिर इसके अलावा स्पेस फ्रंट में भी क्वाड ग्रुप ने कहा है कि दे विल आइडेंटिफाई न्यू कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर शेयरिंग डेटा टू मॉनिटर द क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियंस एंड मैरीन रिसोर्सेज. तो क्वाड ने कहा है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी, स्पेस फ्रंट में भी कोऑर्डिनेट करेंगे, स्पेशली डिजास्टर रिस्पांस के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, एंड प्रिपेयर्डनेस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियन एंड मैरीन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है ना. इसके अलावा जो इनका है कि एजुकेशन में भी क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम विल अवार्ड 100 ग्रेजुएट्स, 25 स्कॉलर्स फ्रॉम ईच क्वाड कंट्री अपॉर्चुनिटीज इन लीडिंग स्टेम, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स के लिए यूएस में अपॉर्चुनिटी मिलेगी 25 स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज. ये चारों कंट्रीज के 25-25 स्कॉलर्स, यानी कि 100 ग्रेजुएट्स को बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स के लिए यूएस में जा करके स्टडी कर सकते हैं. एंड देयर इज नो गवर्नमेंटल प्रोग्राम बट दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट बट अ फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव. तो ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना. इसके अलावा 3 वर्किंग ग्रुप्स बने हैं ऑन वैक्सीन्स, क्लाइमेट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. याद रखिएगा, वैक्सीन, क्लाइमेट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दे हैव बीन देयर. एंड क्वाड का बेसिकली वैक्सीन्स के रिगार्डिंग कमीशन कमिटमेंट था कि दे विल डोनेट ओवर 1.2 बिलियन डोसेज ग्लोबली. तो ग्लोबली क्या करेंगे, 1.2 बिलियन डोजेज जो हैं ग्लोबली वो देने वाले हैं. तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये क्वाड के अलग अलग इनिशिएटिव्स थे. इसके अलावा मैंने बता दिया कि क्वाड वर्किंग ग्रुप क्लाइमेट चेंज का भी बना है जो कि 3 एरियाज में काम करेगा, क्लाइमेट एम्बिशन, क्लीन एनर्जी इनोवेशन, एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस. यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए उनका जो एम्बिशन है, क्लीन एनर्जी इनोवेशन है कि क्लीन एनर्जी को डेवलप करने का जो इनोवेशन है वो, एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन यानी कि रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंट आपको वर्ल्ड को रेजिलियंट बनाना है. ये सारी चीज़ें इसके इनिशिएटिव्स में आते हैं. इसके अलावा ग्लोबल नेट जीरो एमिशन प्रेफरेबली बाय 2050 ये भी अचीव करना चाहता है क्वाड. लेकिन क्वाड ने यहाँ पे एक कैविएट डाला हुआ है कि टेकिंग इनटू द नेशनल सर्कमस्टांसेस, टेकिंग इनटू अकाउंट द नेशनल सर्कमस्टांसेस। अब ये चीज़ इन्होंने क्यों डाली अलग से, ताकि इंडिया को ध्यान में रख के ये चीज़ डाली गई, क्योंकि इंडिया आप सबको पता है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन नहीं टारगेट अचीव करना चाहता है। तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ क्वाड। आई होप यू आर क्लैरिटी कहाँ कहाँ वो कोऑपरेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, इसको याद रखिएगा। अगला जो आज का बड़ा क्वेश्चन है वो है, शुड यूनिवर्सिटीज अवॉइड टीचिंग द कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट। क्या यूनिवर्सिटीज को कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट नहीं पढ़ाना चाहिए? तो यहाँ पे दो लोगों का मैं बताऊंगा आपको, कुलदीप कुमार जी का, योगेंद्र यादव जी के बारे में बताऊंगा। तो कुलदीप कुमार जी कहते हैं कि पहली चीज, आइडियाज शुड बी फॉट विद आइडियाज, आइडियाज कैन नॉट बी बैंड एंड आइडियाज शुड नॉट बी बैंड। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज ऑथर बोलते हैं वो कहते हैं कि आइडियाज शुड नॉट बी बैंड, आइडियाज को आप बैंड नहीं कर सकते हो। पहली चीज मतलब क्यों, जो दोनों ऑथर हैं वो इसी फेवर में है कि टेक्स्ट को बैन नहीं करना चाहिए या कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट को बैन नहीं करना चाहिए। अभी हालांकि मैं आपको बताता हूँ उसका क्यों रेफरेंस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में से कुछ चीज़ें हटाई गई थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट भी प्रेशराइज करती है कई बार टेक्स्ट को हटाने के लिए। ये चीज़ दोनों गवर्नमेंट में होती आई है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो पहले की, चाहे अभी की बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन दोनों ने ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट जहाँ पे भी आया है, जहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ आई है कि जो थोड़ा आउट ऑफ लीग है तो उसको हटाने की कोशिश की गई है। सेम हुआ है अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ, है ना। एंड वहीं ऑथर ने बोली कि आइडियाज़ को आप बैन नहीं कर सकते। कुलदीप कुमार जी का कहना है कि आइडियाज़ कैन नॉट बी बैंड। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि स्टूडेंट एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड विच आइडिया टू सपोर्ट एंड विच आइडिया टू अपोज। उन्होंने कहा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना तो दिमाग रखते हैं कि उनको कौन सा आइडिया सपोर्ट करना है और कौन सा आइडिया अपोज करना है। तो करिकुलम से कोई चीज़ हटाना, और स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम से हटाना, ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से गलत चीज़ हो गई, ठीक है ना। वी कैन नॉट डिसाइड दैट विच आइडिया दे शुड नो एंड विच आइडिया दे शुड नॉट नो। ये हम डिसाइड करने वाले नहीं होते कि वो कौन सा आइडिया जानना चाहिए उनको, कौन सा आइडिया उनको नहीं जानना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर आइडिया आप उनको दो, उनको चॉइस रहनी चाहिए कि फ्रॉम ईच एंड एवरी आइडिया दे शुड हैव अ चॉइस कि वो कौन सा आइडिया सेलेक्ट करें, ठीक है ना। हम किसी आइडिया को डिसलाइक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी उस आइडिया को डिसलाइक करेगा या उस टेक्स्ट को डिसलाइक करेगा, या हम किसी आइडिया को प्रेफर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी उसी आइडिया को प्रेफर करेगा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि कौन सी आइडियोलॉजी कैसी है, एंड देन उनको अपने लिए डिसाइड करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट ऑथर इज सेइंग। योगेंद्र यादव जी का फिर क्या कहना है वो मैं आपको बता दूं। योगेंद्र यादव जी का कहना है कि तीन चीज़ें जो हैं, तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो वायलेट होते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्स्ट चेंज। जब भी आप इस तरह से टेक्स्ट चेंज या हटाते हो तो उससे तीन आइडिया वायलेट होते हैं। पहला आइडिया कौन सा है? पहला आइडिया है कि इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक ऑटोनॉमी, मतलब कि यूनिवर्सिटी कोई चीज़ पढ़ा रही थी, अब गवर्नमेंट ने प्रेशराइज कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेशराइज कर दिया और वो चीज़ हटवा दी। तो एक तरीके से जो एकेडमिक ऑटोनॉमी है इंस्टीट्यूशन की वो वॉयलेट हो गई। दूसरा चीज़ जो है, जो आइडिया वॉयलेट हुआ है वो है क्रिटिकल पैडागॉजी। द सेकंड इज द क्रिटिकल पैडागॉजी। क्रिटिकल पैडागॉजी का आइडिया जो है वो वायलेट होता है, क्योंकि स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ आइडियाज एंड देन उसके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि आप क्रिटिकली एनालाइज करो और कौन सा आइडिया बेस्ट है आप उसको सेलेक्ट करो। क्लास 12 तक की बात होती तो अलग तरीका था, क्लास 12 तक की बात होती तो ठीक है, टीचर्स ने उसको मॉडिफाई कर दिया, अपने तरीके से समझा दिया, सारी चीज़ें कर दी। लेकिन इस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, इस लेवल पे आकर के आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग के आइडियाज़ वो सुने, तो ये गलत है। तो क्रिटिकल पैडागॉजी का आइडिया भी वॉयलेट करता है। तीसरा जो आइडिया है वो है फंडामेंटल डेमोक्रेटिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जिस ऑथर ने वो टेक्स्ट लिखा होगा उसका भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब आप उस टेक्स्ट को अगर हटा रहे हो तो कुल मिला करके आप उसका फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिमूव कर रहे हो। तो बेसिकली That is the third idea that is being violated. इसके अलावा जैसे कुछ कार्टून्स थे जो एंटी अम्बेडकर बोल करके हटाए गए थे या एंटी जवाहरलाल नेहरू बोल करके हटाए गए थे, तो यहाँ पे कुलदीप कुमार जी का ये कहना है कि ये जो कार्टून्स थे ये शंकर ने तब बनाए थे जब नेहरू जी और अम्बेडकर जी प्रेजेंट थे, उन्होंने कभी उसका अपोज नहीं किया, लेकिन आज 20 साल 30 साल 40 साल के बाद लोग उसको अपोज करके उसको हटा रहे हैं। तो दैट इज द रॉन्ग आइडिया। अगर जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत फेमस कोट है, उन्होंने शंकर से कहा था, शंकर द कार्टूनिस्ट से कहा था कि यू शुड नॉट स्पेयर मी, आप मुझे भी छोड़ना मत या बख्शना मत। तो ये चीज़ उन्होंने कही थी, एंड ये उस समय की जो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी थी, आप समझ सकते हैं कि उस समय लेवल ऑफ डेमोक्रेसी कितना ज्यादा था। मेकिंग पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल। अब यहाँ पे एक जो आइडिया पिच किया गया ऑथर द्वारा, वो सिंपल सा आइडिया ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताए। रादर ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में मेंशन्ड है। यहाँ पे ऑथर ने जर्मनी मॉडल का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि जर्मनी में किस तरीके से जो वहाँ का बेसिक लॉ है, यानी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का जो 1949 का बेसिक लॉ है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है। याद रखेगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है। एंड वहां का जो आर्टिकल 21 है बेसिक लॉ का, वो बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रहना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को रिमूव करने का तरीका क्या है या उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन्ड है। ऑथर ने फिर यूके और यूएसए का भी जिक्र किया कि ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर बहुत है। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री और इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पार्टीज जो हैं वो अपने अंदर भी डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखें, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी भी मेंटेन करके रखें, अपने आप को इंटरनली भी ट्रांसपेरेंट बना करके रखें और अपने आप को डीकम्युनलाइज करें। ये तीन चीजें याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं कि पार्टीज को इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन रखनी है, पार्टीज को इंटरनली खुद को ट्रांसपेरेंट बना करके रखना है एंड पार्टीज को खुद को डीकम्युनलाइज करना है। मतलब कि जो कम्युनल डिसहार्मनी वो क्रिएट करती हैं कई बार, वो चीज उनको नहीं करनी है। और ऐसे में ऑथर ने सजेशन दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाए और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड किया जाए। इंडिया में तो कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी काफी एलैबोरेट अलग से एक शेड्यूल बना दिया आपने, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप पार्टीज के लिए भी इस तरीके का कुछ प्रोविजन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज बीन सेइंग इन दिस आइडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। चाइना कैन ज्वाइन द क्वाड इनिशिएटिव्स। ऑस्ट्रेलिया ने एक माइंड गेम खेलना शुरू किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्वाड जो है वो एंटी चाइना नहीं है, रादर इट्स अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो अगर चाइना भी चाहे तो वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकती है, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर सकता है चाइना भी। तो चाइना इज ऑल्सो वेलकम टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ऐसा ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि चाइना इज फ्री टू ज्वाइन एंड फ्री टू गिव सम आइडियाज रिगार्डिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, है ना। ये भी एक तरीके से माइंड गेम ही है क्योंकि चाइना फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहता ही नहीं है, चाइना अपने आप को चाहता है ना, तो इसलिए एक तरीके से माइंड गेम ही है ये। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। नीट OCI कैंडिडेट्स कैन अपियर इन द जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट लिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो OCI कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इस सेशन के लिए वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। लगभग 400 ऐसे स्टूडेंट्स हैं OCI कैटेगरी के जो कि फाइट करने वाले हैं, ठीक है ना। NRI और OCI के बीच में एक डिफरेंस होता है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। NRI एक इंडियन सिटीजन है हु इज रिसाइडिंग अब्रॉड, याद रखिएगा NRI इज एन इंडियन सिटीजन हु इज रिसाइडिंग अब्रॉड। एंड वहीं पे OCI इज अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। याद रखिएगा NRI is an Indian citizen residing abroad, but OCI is a foreign national of Indian origin who is registered as an OCI card holder under Section 7A of the Citizenship Act. तो Citizenship Act के Section 7A के अंतर्गत रजिस्टर्ड रहते हैं OCI कार्ड होल्डर्स। ये एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए फैक्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। OCI कार्ड होल्डर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। वहीं पे NRI इज एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग अब्रॉड एंड OCI इज अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अभी 2015-16 के बाद आई थिंक OCI और PIU की जो कैटेगरी थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको मिक्स कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है ना। मोर टाइम टू रिन्यू द FCRA रजिस्ट्रेशन। अब FCRA क्या है? FCRA है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। याद रखिएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये होम मिनिस्ट्री के अंदर रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रहता है। और FCRA का रजिस्ट्रेशन जरूरी है अगर आपको फॉरेन फंड चाहिए तो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है तो FCRA का रजिस्ट्रेशन जरूरी है अगर आपको आपको क्या चाहिए, अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो, ठीक है ना। अब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो था वो आया था 2010 में। दिस एक्ट केम इन, ये लिख लीजिए अलग से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया था कब? 2010 में आया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली 2020 में इसके लिए अमेंडमेंट बिल भी आया था। देयर वाज एन अमेंडमेंट बिल टू दिस एज वेल, अभी रिसेंटली आया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो एनजीओज अपने आप को रजिस्टर कराते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, वो 5 पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। पहला है सोशल, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा रिलीजियस, चौथा इकोनॉमिक एंड पांचवा है कल्चरल। सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्पस के लिए। इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, जज जुडिशरी के लोग हो गए, ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो होता है वो हर 5 साल में रिन्यू होता है, इट इज रिन्यूड एवरी 5 ईयर। याद रखेगा, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इज रिन्यूड एवरी 5 ईयर। इसके अलावा रिसेंटली एक चेंज और किया गया था कि एनजीओज को अपना एक अकाउंट खोलना पड़ेगा एसबीआई इन दिल्ली, है ना, दिल्ली के एसबीआई में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा एंड उसके बाद ही वो बेसिकली कहना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। एफसीआर अकाउंट कहाँ खोलना पड़ेगा? दिल्ली में खोलना पड़ेगा। आधार कार्ड का यूज करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि आधार नंबर मैंडेटरी हो गया है, रिसेंटली ये भी हुआ है, ठीक है ना। और आप केवल 5 कैटेगरीज जो मैंने बताया वहाँ के लिए यूज़ कर सकते हो। देन इसके अलावा आपको एक और चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हो गए वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। दे कैन नॉट रिसीव द फंड्स, पब्लिक फंड्स, या इस तरीके से नहीं रिसीव कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको इम्पॉर्टेंट थी जानना। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। आगे मूव करते हैं। कोर सेक्टर ग्रू 11.6% इन अगस्त। कोर सेक्टर्स के बस मैं आपको नाम बता दूं, 8 इंपॉर्टेंट कोर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आती हैं आपकी कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अधिक जो वेटेज है कोर में वो रिफाइनरी को दिया गया है। और याद रखिएगा कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं 8, ये आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% वेटेज बनाती हैं। ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं ये आईआईपी यानी कि जब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाता है उसका 40.27% वेटेज यही कोर इंडस्ट्रीज रहती हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखना, आईआईपी का 40.27% वेटेज ये रहती हैं, ठीक है ना। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू कंक्लूड द फ्री ट्रेड पैक्ट बाय द एंड ऑफ 2022। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में। ये GS2 GS3 दोनों में आ सकता है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 तक साइन कर लेगा, ऐसा ऑथर ने बताया है इस न्यूज में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप सबको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हो जाता है तो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर से जो अलग अलग बैरियर्स लगाती हैं, टैरिफ बैरियर्स एंड ऑल, वो सब नहीं लगाती हैं और बायलैटरल ट्रेड फिर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग मतलब डबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है। तो लेट मी शो यू दैट। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, पीआईबी का डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन से कंट्रीज के साथ हुआ है। पहला याद रखिएगा इंडिया और भूटान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कॉमर्स, ट्रेड एंड ट्रांजिट के रिगार्डिंग। देन इसके अलावा इंडिया और नेपाल का है, इंडिया श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। देन साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं। साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया ही बोलते हैं इसको। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एंड अफगानिस्तान, ये कंट्रीज आती इसमें। देन इसके अलावा इंडिया थाईलैंड का FTA है जिसको अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कहा जाता है, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम इंडिया थाईलैंड। देन इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA इंडिया सिंगापुर के बीच में है। देन इंडिया साउथ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में है। इंडिया आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट बोला जाता है। आसियान के मेंबर आपको पता है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये 10 कंट्रीज हैं जिनके इसके अलावा इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया और इंडिया मलेशिया। ये न्यूज़ ये आर्टिकल आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना अलग से PIB से निकाल करके, यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए। यूपीएससी पूछेगा इनमें से किसके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके साथ नहीं है। ये ऑलरेडी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडिया मलेशिया लास्ट लिख लीजिएगा, इंडिया मलेशिया, इंडिया जापान, इसके अलावा इंडिया आसियान, इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया सिंगापुर, इंडिया थाईलैंड, इंडिया श्रीलंका, इंडिया एंड साफ्टा, इसके अलावा इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान। दीज आर द कंट्रीज जिनके साथ ये है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो और भी लिखा हुआ है कि जिनके साथ हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो एप्टा है, यानी कि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओ, पीडीआर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड श्रीलंका आते हैं। इनके साथ हमने एप्टा किया है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, इसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेज, इसमें भी हम आते हैं, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेज में भी आते हैं। देन इंडिया अफगानिस्तान का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया मरकोसर का जो कि साउथ अमेरिकन ग्रुप है, एंड इंडिया चिली का हमारे पास प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा निगोशिएट हम किसके साथ कर रहे हैं, इंडिया ईयू, इंडिया आसियान सीईसीए, इंडिया श्रीलंका सीईपीए, इंडिया थाईलैंड सीईसीए, और इंडिया इजराइल एफटीए, इंडिया सिंगापुर सीईसीए का सेकंड रिव्यू चल रहा है, एंड इसका बिम्स्टेक सीईसीए चल रहा है, इंडिया कनाडा का चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एफटीए हमारा चल रहा है, जैसे मैंने बताया ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया निगोशिएशन मुझे को चल रहा है, और आरसीपी चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आरसीपी हमने मना कर दिया एक बार ज्वाइन करने से। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा अदानी साइंस $700 मिलियन डील फॉर श्रीलंकन पोर्ट, तो इंडिया और मतलब अडानी और श्रीलंका के बीच में कहना चाहिए, इंडिया और श्रीलंका नहीं कहना चाहिए, अडानी एंड श्रीलंका के बीच में $700 मिलियन एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द श्रीलंकन कोलंबो पोर्ट, श्रीलंकन पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ, एंड श्रीलंकन कोलंबो का जो पोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए बेसिकली ये किया गया है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर क्लैरिटी, आपको पता होना चाहिए। हिडन डेट राइजिंग फॉर पार्टनर्स ऑफ चाइनाज बीआरआई प्लान, अब चाइना के जो पार्टनर थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के, उनका हिडन डेट यानी कि जो छुपा हुआ डेट था वो बढ़ता जा रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि अरे कहाँ फंस गए हैं, है ना। अब उनको बोल रहा है कि भैया मेरे मुंह से निकल गई थी, मेरी जवान टूट गई थी, मैं तो नहीं आना चाहता, लेकिन अब तो आ गए हो, फंस गए हो। अब उनका जो डेट है कुछ कंट्रीज का वो 10% ऑफ द जीडीपी, 42 कंट्रीज के पास लगभग 10% ऑफ द जीडीपी के बराबर, उनकी जीडीपी के बराबर डेट आ चुका है चाइना का। तो अब यही तो उनका बेसिकली रहता है, गिरवी रखवा लिया था, माँ के जेवर और ये सब उन्होंने गिरवी रखवा लिए थे चाइना वालों ने। अब देखो भुगतो, अब आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। रोहिंग्याज लीडर किल्ड इन बांग्लादेश, तो रोहिंग्याज का आप सबको पता होना चाहिए कि दे आर द एथनिक ग्रुप मोस्टली मुस्लिम्स एंड एथनिक माइनॉरिटी में आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज में आते हैं लोग, एंड दे आर नॉट ग्रांटेड फुल सिटीजनशिप बाय म्यांमार, वहाँ से उनको परसिक्यूट किया गया, फिर ये बांग्लादेश के पास गए। अब बांग्लादेश ने एक भाषण चार नाम का आइलैंड है जो हटिया आइलैंड, हटिया के पास है भाषण चार आइलैंड, वहाँ पर इनको रिसाइड करने का डिसाइड किया है ना, भाषण चार याद रखेगा, दैट इज द आइलैंड जहाँ पर इनको लोकेट किया जा रहा है। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पहला टेस्ट मैच हो रहा है, डे एंड नाइट टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच विमेन का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई Hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.